और एक बड़ी खबर आपको बताएं, भरतपुर पुलिस की कस्टडी में मोनू मानेसर है। जी हां, नू हिंसा को लेकर के आखिरकार मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन की पुलिस रिमांड में मोनू मानेसर को भेज दिया गया है। भरतपुर के कामा थाना में स्पेशल कोर्ट लगी। नासिर जुनैद हत्याकांड का आरोपी मोनू मानेसर इस वक्त राजस्थान पुलिस की कस्टडी में है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भरतपुर के कामा थाना में स्पेशल कोर्ट लगाई गई है और 2 दिन की कस्टडी में उसे भेज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर मोनू मानेसर की। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर है जहां भरतपुर पुलिस उसे थाने लेकर पहुंची थी। फिलहाल मोनू मानेसर 2 दिन तक राजस्थान पुलिस की रिमांड पर रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि कल दोपहर करीब 12 बजे हरियाणा की नू पुलिस ने मानेसर गांव में दबिश देकर मोनू को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से एक पिस्टल, 3 कारतूस और मोबाइल फोन मिला। हरियाणा में मोनू पर नू हिंसा भड़काने के आरोप हैं। गिरफ्तारी के बाद हरियाणा पुलिस ने उसे नू कोर्ट में पेश किया, उसकी रिमांड मांगी। कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भौंडसी जेल भेजने के आदेश दिए, लेकिन मोनू को जेल भेजने से पहले ही भरतपुर पुलिस को उसका ट्रांजिट रिमांड मिल गई और उसके बाद हरियाणा पुलिस ने उसे राजस्थान पुलिस को सौंप दिया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान पुलिस की कस्टडी में मोनू मानेसर है।